بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामुअलैकुम। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 10th एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज बायोकेमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, फॉर दिस पर्पस काइंडली पुट आउट अ नोटबुक विद योर टेक्स्ट बुक ऑफ केमिस्ट्री एंड अ लेड पेंसिल to write down the lecture। Students, biochemistry का जो chapter है जिसको आज हमने start करना है, it is very important chapter। But क्योंकि अगर आप इस chapter के main पर focus करें, which is biochemistry, then it means that कि इसमें जो word bio है, it is so close to the subject that is biology। ठीक है, it means that के इस class 10th में mostly students ऐसे हैं जिन्होंने computer science भी रखा होता है subject, जिस वजह से उनके लिए ये chapter थोड़ा सा difficult है, क्योंकि इसमें 50% आप कह लीजिए biology की terminologies जो हैं वो add हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाकर आपको साथ साथ सिंपल टू सिंपल फॉर्म में करके ये चैप्टर समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको तो वैसे ही कुछ टर्मिनोलॉजीज का अंदाजा है, तो उनकी मजीद स्ट्रांग हो जाएंगी वो टर्मिनोलॉजीज और एक हिसाब से रिवीजन हो जाएगी। और जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छा नॉलेज गेन हो जाएगा ये लेक्चर सुनने के बाद। तो आइए बायोकेमिस्ट्री को पहले तो हम थोड़ा सा बुक के पेज से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 101 यानी 101। तो स्टूडेंट्स, टॉप पे मेजर टॉपिक्स हैं, आप इसमें देख सकते हैं 13.1। इसमें 13 का मतलब चैप्टर है और पॉइंट वन यानी जो वन लिखा हुआ है, इट मींस दैट ये फर्स्ट आपका आर्टिकल है। और कौन सा आर्टिकल है स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या वर्ड है? कार्बोहाइड्रेट्स। सेकंड आर्टिकल स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रोटीन्स। क्या है? प्रोटीन्स। थर्ड आर्टिकल स्टूडेंट्स हमारे पास है लिपिड्स। क्या है? लिपिड्स। फोर्थ आर्टिकल है न्यूक्लिक एसिड्स। क्या है? न्यूक्लिक एसिड्स। एंड देन लास्ट जो आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 5, इट इज विटामिन्स। स्टूडेंट्स, इनको आप विटामिन्स भी पढ़ सकते हैं, वाइटामिन्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? दोनों जो प्रोनंसिएशन है वो सही है। अब थोड़ा सा इसको समझने की मेजर टॉपिक्स को कोशिश करते हैं, ठीक है? सबसे पहली बात, आपको बायोकेमिस्ट्री का मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है? बायो का सिंपल मीनिंग स्टूडेंट्स क्या है? लाइफ। बायो मींस लाइफ। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिस्ट्री? केमिस्ट्री मींस केमिकल रिएक्शंस, ठीक है? प्रॉपर डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी है। तो यहां पर केमिस्ट्री का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शंस, यानी आपकी लाइफ में, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस की लाइफ में जो केमिकल रिएक्शंस अकर हो रहे हैं, एक्चुअली इट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। अब यहां पर ये सवाल एक
क्वेश्चन अराइज होता है कि जी ह्यूमन की लाइफ में या ह्यूमंस की लाइफ में कैसे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो अक्कर हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इस चीज को रियलाइज या फील नहीं करते, लेकिन एक्चुअली ये केमिकल रिएक्शंस हर वक्त हमारी बॉडी के इनसाइड परफॉर्म हो रहे होते हैं। ठीक है, अभी हम एक एग्जांपल भी लेंगे इस चीज को समझने के लिए। तो बायोकेमिस्ट्री का मीनिंग हमने समझा कि लाइफ के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस अक्कर होते हैं, इट इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, दूसरी बात, इस फील्ड का, बायोकेमिस्ट्री का कंसर्न किस चीज के साथ है? तो इट डील्स विद नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिक्यूल्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसका जो, इसकी जो डीलिंग है वो एक्चुअली नेचुरल अकरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ है। नेचुरली का मतलब क्या है जी? कुदरती या कुदरती। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स का क्या मतलब है जी? याद रखिए स्टूडेंट्स, मैक्रो का मतलब क्या होता है? लार्ज। ठीक है, एंड मॉलिक्यूल्स को आप मॉलिक्यूल्स ही कहेंगे। तो मैक्रो मॉलिक्यूल मींस लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले जो मेजर कॉन्सेप्ट्स में हमने नाम पढ़े वो एक्चुअली यही पांच नाम थे, और ये पांचों लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, इनके अगर हम मीनिंग देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स को उर्दू में भी कार्बोहाइड्रेट्स ही कहा जाता है, प्रोटीन्स को उर्दू में प्रोटीन ही पढ़ा जाता है या कहा जाता है, लिपिड्स को आप उर्दू में चिकनाइयां कह सकते हैं, चिकनाइयां मतलब या चिकनाई वाली चीजें, इसको इंग्लिश में सिंपली अगर बात की जाए तो हम ऑयल फॉर्मिंग प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं, यानी वो चीजें जो घी में या ऑयल में होती हैं। ठीक है, वो तमाम लिपिड्स की एग्जांपल में। वाइटामिन्स अभी हम देखते हैं ये कितनी तरह के हैं, सेम फॉर न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, अब मैं आपको यहां पर पहले तो ये बताता चलूं कि ये अपनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ठीक है, इनमें जो पहली तीन टाइप्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, मैं इनको इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देता हूं, इनके यूनिट्स में लिख देता हूं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, इनकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है या सिंपल फॉर्म है वो एक्चुअल में क्या होती है जी? ग्लूकोज। क्या होती है? ग्लूकोज। जो प्रोटीन्स हैं, इनका जो यूनिट होता है वो एक्चुअली होता है स्टूडेंट्स अमाइनो एसिड्स। क्या है? अमाइनो एसिड्स। जो लिपिड्स हैं, इनका भी एक यूनिट होता है, इट इज कॉल्ड फैटी एसिड्स, इट इज कॉल्ड फैटी एसिड्स। ठीक है, ये स्टूडेंट्स इनके यूनिट्स हैं, यानी हम ये कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो आप ये कह सकते हैं कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, ये एक्चुअल में तीनों क्या हैं इनकी, आप क्या कहेंगे इन्हें, ये एक्चुअली कहलाएंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स। यानी ये अब जो ये मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी माइक्रो स्टेट पे आ गए हैं। माइक्रो मींस स्मॉल। ठीक है, माइक्रो मींस स्मॉल, स्मॉल मींस कि ये अब सिंपल हो गए हैं। ठीक है, अब मैं पहले इन तीनों की एक्सप्लेनेशन एक एग्जांपल से कर देता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। देखिए, हुआ किस तरह कि आप अगर फूड खाएं, आप किसी भी तरह का फूड स्टफ लेते हैं खाना, तो स्टूडेंट्स वो जैसे ही आपके माउथ से एंटर करके आपकी स्टमक तक जाता है तो एक्चुअली वो रास्ते में डाइजेस्ट हुआ चला जाता है, या कह लीजिए रास्ते में डाइजेस्ट होता है। जैसे डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ में, फिर बाकी डाइजेशन होती है स्टमक में। अब होगा इस तरह कि जब आप कोई भी चीज फूड स्टफ खाएंगे उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स मौजूद होंगी, आप अपने टीथ के जरिए उसे क्रश करेंगे फूड को, फर्दर जब डाइजेशन होगी और वो फूड स्टमक तक पहुंचेगा तो रास्ते में पहुंचते वक्त उसमें कुछ केमिकल्स माउथ में उसके ऊपर एक्ट करेंगे, बाकी आप कह लीजिए स्टमक में एक्ट करेंगे, तो ये फूड अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा।
तो स्टूडेंट्स जो केमिकल इस पे काम करेंगे एक्चुअली वो आपकी बॉडी में यानी आपकी बॉडी के इनसाइड रह के काम कर रहे हैं। तो वो इनसाइड रह के इस फूड को ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिट कर रहे हैं, इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ रहे हैं। और क्योंकि ये काम केमिकल्स के थ्रू हो रहा है, दैट्स वाई हम इसको कहते हैं बायोकेमिस्ट्री, कि आपकी लाइफ के अंदर ये केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। ठीक है, अब आपने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, इनके बारे में ये चीज याद रखनी है। आप बेशक मेजर कॉन्सेप्ट्स के आगे ही इसको इस फॉर्म में लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं जी विटामिन्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स विटामिन्स के बारे में जो बात आपको मैं बताना चाहता हूं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो इसकी है टाइप्स। क्या है टाइप्स? तो दो तरह के विटामिन्स हैं जो आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं। फर्स्ट वन इज द फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी ऐसे विटामिन्स जो फैट्स में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और दूसरे क्या है जी? वॉटर सॉल्युबल विटामिन्स। वाटर सॉल्युबल यानी जो पानी में डिसॉल्व होते हैं, वाटर में हल होते हैं, ठीक है। इनकी फर्दर आप कह लीजिए आगे टाइप्स हैं, तो जब ये टॉपिक डिस्कस किया जाएगा तब इसको देखेंगे। लास्ट वन इज न्यूक्लिक एसिड। मैं इस पर मजीद एक्सप्लेनेशन में इसकी नहीं जाऊंगा, सिर्फ ये बताना चाहूंगा कि न्यूक्लिक एसिड में दो टाइप्स आ जाती हैं जिनकी हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट वन इज द डीएनए एंड द सेकेंड वन इज द आरएनए। क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट होने के साथ डिफिकल्ट भी है, तो जब इसको स्टार्ट करेंगे तब इसकी प्रॉपर डिस्कशन करेंगे। तो डीएनए स्टैंड फॉर स्टूडेंट्स डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है जी। चलिए अब स्टूडेंट्स मेजर कॉन्सेप्ट्स के बाद स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम्स में आ जाते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो आप क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले डिस्टिंग्विश बिटवीन मोनो डाई एंड ट्राईसैकेराइड्स अंडरस्टैंडिंग, मतलब अब ये क्या डिफरेंट से नेम्स हैं। तो एक्चुअली थ्राइस आर द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि ये तीनों जो हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स हैं। यानी सबसे पहला जो काम हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आफ्टर इंट्रोडक्शन वो ये होगा कि हम कार्बोहाइड्रेट्स की जो टाइप्स हैं मोनो सैकेराइड्स, डाई सैकेराइड्स, पोली सैकेराइड्स, इनमें डिस्टिंग्विश करेंगे यानी इनमें डिफरेंस करेंगे। सेकेंड इज डिस्क्राइब द बॉन्डिंग इन अ प्रोटीन, फिर हम प्रोटीन का टॉपिक पे आएंगे और उसमें बॉन्डिंग नेचर देखेंगे कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक बॉन्ड है जिसकी वजह से प्रोटीन बनती हैं। और प्रोटीन का स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए हम इसकी बॉन्डिंग नेचर को देखेंगे, ठीक है। बॉन्डिंग वर्ड एक्चुअली बॉन्ड से आया है और आपने नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री में फोर्थ चैप्टर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स का चैप्टर था, उसमें प्रॉपरली हमने ये देखा था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, कह लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल एक्चुअल में चैप्टर का नेम था। हमने वहां पे डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स की डिस्कशन की थी, लाइक आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड एटसेट्रा, ठीक है। तो बॉन्ड का मीनिंग हमने वहां पर यह समझा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। आप बॉन्डिंग के वर्ड को बेशक अंडरलाइन करके लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक ऐसी ताकत जो अपनी तरफ माइल करती है, खींचती है, ठीक है। तो होगा ये कि जितने भी अमाइनो एसिड्स होंगे ये एक दूसरे की तरफ खींचे चले आएंगे, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जिसकी वजह से प्रोटीन्स बनेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स एक्सप्लेन द सोर्सेज एंड यूजेस, हम सोर्सेज मतलब जराए के कहां से आते हैं, एंड यूजेस यानी इस्तेमालात या इस्तेमाल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स इनके पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम डिफ्रेंशिएट करेंगे फैट्स एंड ऑयल्स के दरमियान। देखिए फैट्स एंड ऑयल ये ऐसी टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो मिक्स कर देते हैं, लेकिन इस चैप्टर में हम प्रॉपरली ये देखेंगे कि व्हाट आर फैट्स एंड व्हाट आर
ऑयल्स। इसके बाद स्टूडेंट्स इसी तरह नीचे दो टॉपिक जो हैं वो रेलेवेंट विटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड के हैं, इनको आप देख लीजिए। अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की तरफ। ठीक है, लीजिए जी पहले इसकी रीडिंग की जाएगी, साथ साथ मैं आपको बता देता हूं। बायोकेमिस्ट्री इज अ फील्ड दैट हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस टुडे, यानी एक ऐसी फील्ड है जिसकी आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इट डील्स विद द नेचुरली अकरिंग मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और इसमें हम डीलिंग करते हैं नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूल्स की, जिनके नेम्स आगे मेंशन है। दीज मॉलिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी ये मॉलिक्यूल्स जो हैं ये प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं, बनाए जाते हैं, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, यानी माहौल में ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होते हैं तब इनको बनाया जाता है। ठीक है, इनसे कह लीजिए मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बनाई जाती हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर असेंशियल, यानी जरूरी हैं फॉर अस, हमारे लिए, एज दे आर रिजर्वायर्स। रिजर्वायर्स का मतलब स्टोरेज या स्टोर करना ऑफ इनर्जी, क्योंकि ये इनर्जी को स्टोर करते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल देखी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ये स्प्लिट होंगे, स्टमक में जाएंगे और वहां से ब्लड में चले जाएंगे और सिंपल फॉर्म में जाएंगे, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स। क्यों? क्योंकि इंटरनल जो हमारा स्ट्रक्चर है वो नैरो से नैरो होता चला जाता है, तो जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज स्मॉल से स्मॉल होना चाहिए। ऐसे ही है, तो जब हमारे ब्लड को ये मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, हमें पावर मिल जाती है, तो उसके बाद कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जाकर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं हमारे मसल्स में, और स्टोर होने की वजह से एक दूसरा तीसरा माइक्रो मॉलिक्यूल चौथा ये कंबाइन होते चले जाते हैं और दोबारा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी मैक्रो मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। इसी वजह से ये एनर्जी हमारे मसल्स में क्या होती है, स्टोर होती है, ये रिजर्वायर्स बन जाते हैं, और जब जरूरत होती है तब इस एनर्जी को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने बात करूं तो मैंने सुबह सहरी की या सहरी की, उसके बाद मैंने अभी लेक्चर आपको पढ़ाना स्टार्ट किया, तो इस लेक्चर में जितनी भी मेरी पावर यूटिलाइज हो रही है, एक्चुअली उससे पहले जो फूड खाया था वो जितनी रिक्वायरमेंट थी बॉडी के वो यूज हो गया, और कुछ फूड जो है वो मसल्स में स्टोर हो गया, उसी फूड से अब मुझे एनर्जी मिल रही है, और ये मेरी जितनी भी आप देख सकते हैं हैंड्स की मूवमेंट्स हैं, ये इसी तरह स्पीकिंग, बोलना, ये सारी एनर्जी की वजह से ये वर्किंग हो रही है। और ये एनर्जी मिल कहां से रही है, उन्हीं मैक्रो मॉलिक्यूल्स रिजर्वायर से जो के बॉडी में हैं। आगे एग्जांपल देखते हैं जी, सेम कुछ इसी तरह। कार्बोहाइड्रेट्स वी ईट, कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खाते हैं प्रोवाइड अस एनर्जी, ये हमें एनर्जी देते हैं। लिपिड्स आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, लिपिड्स सबसे ज्यादा सोर्स होते हैं एनर्जी के, यानी जरिया होता है एनर्जी का। They are stored in the body to provide emergency energy supplies. यानी बॉडी के अंदर ये एक स्पेसिफिक जगह पे स्टोर होते हैं ताकि एमरजेंसी अगर जरूरत है तो ये रिलीज हो जाए। तो स्टूडेंट्स आप यहां पे कहीं पे लिख लीजिए कि जो स्टोर होने वाली जगह है लिपिड्स की स्पेसिफिक, इट इज कॉल्ड एडिपोज टिश्यूज। ये एडिपोज टिश्यूज में स्टोर होते हैं, ठीक है, एडिपोज, ADIPOSE. They help us to work during tough time. जब मुश्किल वक्त होता है तब इनका इस्तेमाल होता है, तब ये हमें मदद करते हैं। Proteins not only provide us energy, they help us stay strong. ये सिर्फ हमें एनर्जी नहीं देती प्रोटीन, बल्कि इसके साथ ये हमें मजबूत रखती है by forming new bones and muscular tissues. और नई हड्डियां यानी बोन्स बना के और मस्कुलर टिश्यूज। न्यू बोन्स से मुराद कि जब बेबी बाय बर्थ पैदा होता है तो उसकी बोन्स जो होती हैं वो एक्चुअली अच्छी तरह फ्यूज नहीं हुई होती,
मिली नहीं हुई होती, तो तब आप कह लीजिए कि कैल्शियम का होना, कुछ प्रोटीन का होना बहुत जरूरी है, तभी वो बॉन्ड्स फ्यूज होती हैं और बच्चे के आपको जॉइंट्स बने हुए नजर आते हैं। नहीं तो बाय बर्थ आपने अगर कभी गौर किया हो तो बेबी की बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, यानी नर्म होती है, ठीक है। मोर ओवर इसके अलावा प्रोटीन्स प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द डिजीजेस, और किसी भी तरह के डिजीज हैं तो ये प्रोटीन ही होती है एक्चुअली जो प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन क्या है तो स्टूडेंट्स एक्चुअली इसीलिए मैंने सिर्फ न्यूक्लिक एसिड के आगे डीएनए और आरएनए लिखा, इसमें हम प्रॉपरली आप ये कह लीजिए कि जेनेटिक कोड्स ऑफ लाइफ, जिंदगी के जो कोड्स हैं जिस पर लाइफ चल रही है जीन्स पर, उनकी प्रॉपर डिस्कशन जो है वो हम न्यूक्लिक एसिड में करेंगे। लीजिए अब आज हमारा स्टार्ट हो रहा है टॉपिक 13.1 विच इज कार्बोहाइड्रेट्स। स्टूडेंट्स आपको रियलाइज हो रहा होगा कि कुछ ज्यादा ही डेप्थ में हम पढ़ रहे हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑफ अस, बोथ ऑफ अस यानी इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू एक्सप्लेन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि इसको डेप्थ में पढ़ाया जाए, जैसा कि लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा कि जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जरा कन्वीनियंट हो जाए और आपकी प्रॉपर रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं? वैसे तो जो स्टूडेंट्स बायो के हैं उन्होंने तो कार्बोहाइड्रेट से रेलिवेंट कुछ और ही डेफिनेशन पढ़ी है जो नॉर्मली डिस्कस की जाती है हमेशा, लेकिन अब जो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं इट इज सो मच डिफरेंट एज कंपेयर टू दी नॉर्मल डेफिनेशन, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? वो ये कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अभी तक हमने ये चीज तो समझ ली कि दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, लेकिन ये एक्चुअली पोली हाइड्रोक्सी एलडी हाइड्स एंड पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन की वजह से बनते हैं या कीटोन से मिलकर बनते हैं। यानी अगर मेरे से ये कोई पूछे कि भाई ये क्या बात हो रही है, तो मैं ये कहूंगा कि यहां पे हम कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर, इन टर्म ऑफ स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स मैक्रोमोलिक्यूल तो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये बात हमें समझ आती है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी, ठीक है। तो एक समझ लीजिए, दूसरे का भी यही मीनिंग है। पॉलीहाइड्रोक्सी दो टर्म्स हैं, पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सल ग्रुप यानी बॉन्ड ओएच, हाइड्रोक्सल का आपको पता ही है वो, ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या हैं? कि कार्बोहाइड्रेट्स के जब हम फॉर्मूलास को लिखते हैं तो एक्चुअली उनमें एल्डिहाइड और कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपने अगर देखा जाए तो बुक की अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग थर्ड चैप्टर यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें आपने फंक्शनल ग्रुप्स को अच्छी तरह पढ़ा हुआ है। मैंने आपको वीडियो लेक्चर में फंक्शनल ग्रुप्स को बड़ा ही डिटेल में आपको समझाया था, ठीक है। तो यहां पर कार्बोहाइड्रेट्स की स्ट्रक्चरल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो मैक्रोमोलिक्यूल्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड फॉर्म में और कीटोन फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन जो आपके पास ये फंक्शनल ग्रुप हैं, इनके मैं आपको फंक्शनल ग्रुप राइट कर देता हूं, इनको आप कॉपी कर लीजिए। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये आपके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है, और आर सी डबल बॉन्ड ओ आर हैश या डैश, ये आपके पास एक्चुअली कीटोनिक ग्रुप होता है, ठीक है। इसमें एल्डिहाइड में एक तरफ अगर आप देखें तो हाइड्रोजन ने बाउंड किया हुआ है, जबकि कीटोन में दोनों तरफ साइड चेन्स आर हैं। आर जो हैं ये अल्काइल ग्रुप होते हैं, दे में भी डिफरेंट और दे में भी सेम, ये सारी डिस्कशन हमने की हुई है। तो
तो जी ये कार्बोहाइड्रेट्स की एक स्ट्रक्चरल डेफिनेशन होगी। अब आते हैं स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट की उस डेफिनेशन की तरफ जो हम मोस्टली पढ़ते हैं, वो क्या है जी कि कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, सिंथेसाइज, और इनको सिंथेसाइज करने के लिए प्लांट्स को जरूरत होती है एनवायरनमेंट में से कुछ मटेरियल की, जिसमें आपके पास वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अलावा इंपॉर्टेंट मटेरियल इज द सनलाइट, एंड लास्ट इज द कलर ऑफ द लीव्स जो कि उसमें पहले से ही प्रेजेंट है, इट इज क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल वैसे एनवायरनमेंट में ही आता है क्योंकि लीव भी एक्चुअली एनवायरनमेंट में ही मौजूद है। तो इस सारी इन सारी चीजों के बाद एक्चुअली प्लांट के अंदर एक प्रोसेस होता है विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। याद रखिए प्लांट्स का ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस, इसको फोटोसिंथेसिस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो वर्ड फोटो है, फोटो मींस सनलाइट। ये पूरा प्रोसेस सनलाइट पे डिपेंड होता है, क्योंकि आपको पता है कि फुल डे अगर देखा जाए पूरे दिन में, तो सनलाइट जो है एक्चुअली ये वैनिश हो जाती है आफ्टर डे, यानी शाम के वक्त सनलाइट जाना शुरू हो जाती है, इसलिए ये पूरा प्रोसेस जो है वो सनलाइट पे डिपेंड करता है, बाकी जो चीजें हैं वो तो मिल ही जाती हैं। तो फोटोसिंथेसिस करने के बाद एक्चुअली होता यह है कि प्लांट्स जो हैं वो क्या करते हैं, अपने लिए फूड बनाते हैं एंड रिटर्न, और इसके बदले में एक्चुअली वो बनाते हैं ऑक्सीजन गैस, जो उनको नहीं चाहिए होती तो ये इसको रिलीज कर देते हैं, और रिलीज करने के बाद ये गैस आती है एनवायरमेंट में, और एनवायरमेंट में जैसी ये गैस आती है तो इसको यूज किया जाता है, और कौन यूज करते हैं जी, अदर ऑर्गेनिजम्स। अदर ऑर्गेनिजम्स में एग्जाम्पल जो है वो ह्यूमंस के लिए, ठीक हो गया जी। तो ये एक्चुअली वो कार्बोहाइड्रेट्स का सिंपल कह लीजिए प्रोसीजर है जो होता है, जिसका एक सिंपल सा रिएक्शन है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको चाहिए, वाटर आपको चाहिए, ठीक है, ये दो आपके पास प्रोडक्ट होगी, सॉरी इनको हम रिएक्टेंट्स पढ़ेंगे, ठीक है, हेडेड एरो, इसके ऊपर आप सनलाइट को मेंशन करेंगे, ठीक है, सनलाइट के नीचे आप क्लोरोफिल को मेंशन करेंगे, क्लोरोफिल। और अब आप प्रोडक्ट बनाने की तरफ जाएंगे, तो आपको पता है आपने ग्लूकोज बनाना है, तो आप पहले यहां पे डायरेक्ट C6H12O6 यानी ग्लूकोज को लिख लीजिए, मैं देख लूं कि फॉर्मूला में वही लिख रहा हूं जी, ठीक है। अब ये देखिए इसको बैलेंस कैसे करेंगे, यहां पे कार्बन है 6, यहां पे कार्बन कितने हैं 1, इसको 6 करने के लिए आप पीछे 6 लगा दीजिए, ये कार्बन हो गए 6। अब हाइड्रोजन यहां पे 12 है जबकि यहां पे 2 है, 6 करने इसको 12 करने के लिए 6 लगाएंगे तो ये 6 × 2 = 12 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन 6 है इसके साथ, अब देखिए ये तो 6 जो था हाइड्रोजन से अलग मल्टीप्लाई हुआ, ऑक्सीजन से अलग होगा, यहां पे ऑक्सीजन है 1, तो 6 × 1 = 6, ठीक है। पीछे क्या बचा, जिस तरह यहां पे 6 कार्बन के साथ मल्टीप्लाई हुआ है उसी तरह ये 6 O2 के साथ मल्टीप्लाई भी होगा, तो ये 6 O2 यानी आपके पास क्या बन जाएगी, ऑक्सीजन गैस, ठीक हो गया जी। ये स्टूडेंट्स आपके पास प्रॉपर बातें आ गई कार्बोहाइड्रेट्स की। आखिरी बात कि इनका एक जनरल फॉर्मूला है, जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका एक्चुअल में एक जनरल फॉर्मूला है, अगर हम ये याद कर लें तो एक्चुअली इसमें वैल्यूज पुट करके हम कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो बना सकते हैं, एंड द फॉर्मूला इज CnH2O(N)। ये हमने याद कर, अब मैं कैसे मान लूं कि भाई ये बात सच्ची है, तो मैं इसमें एडिशन करके देखता हूं, ग्लूकोज बनाता हूं। अब मैंने याद रखी है जो वैल्यू इस एन में पुट करूंगा वही वैल्यू इधर पुट होगी और मल्टीप्लाई होगी। मैं यहां पे पुट कर रहा हूं 6, तो मैं लिखूंगा C6H2O6। अब ये किस तरह आएगा जी, C6H जो है वो क्या होगा, ब्रैकेट के बाहर 6 से मल्टीप्लाई, H2 = 12, O1 है तो मल्टीप्लाई होगा तो O क्या आ जाएगा 6, देन इट इज एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ
ग्लूकोज। तो आपने देखा कि इस जनरल फॉर्मूला की बेस पे हमने ग्लूकोज बना लिया, ठीक है जी। चलिए पहले इसको हम इतना रीड कर लेते हैं जी। स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रोमोलिक्यूल डिफाइंड एज पोलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। एक पॉइंट। दूसरा, दे हैव जनरल फॉर्मूला जो आपके सामने गिवन है, जिसको मैंने अभी आपके सामने अपने तौर पे एग्जांपल के तौर पे बनाकर भी दिखाया। काइंडली जल्दी से आप इसको कॉपी कर लीजिए, ये एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब अगर आपको सिंपली पूछे जी व्हाट डू यू नो अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स या डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये आपका एक इंटरनल शॉर्ट बन सकता है, ठीक है। नहीं तो मैं साथ साथ आपको इसकी एक्सरसाइज गाइड करूंगा। आप एक्सरसाइज में आइए पेज नंबर 116 पे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, कि प्लांट कैसे सिंथेसाइज करते हैं। तो प्लांट इस प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ठीक है। और वो प्रोसेस अगली दो लाइंस हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स, कार्बोहाइड्रेट्स को प्लांट्स बनाते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। किस प्रोसेस के जरिए? फोटोसिंथेसिस। From carbon dioxide and water in the presence of sunlight and the green pigment chlorophyll. और इसके लिए क्या क्या चाहिए जी? Water चाहिए, carbon dioxide, sunlight and the most important the pigment which is chlorophyll. और ये सारी चीजों को add करने के बाद नीचे reaction लिखा गया है, वो आपने लिखना है। अब students, ये जो अभी आपको मैंने question पढ़ के बताया, पहला कि how plants synthesize carbohydrates, ठीक है, या glucose, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, उसको आप यहां से स्टार्ट करेंगे जी। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स, और इसको रिएक्शन तक एज इट इज आप क्या करेंगे? कॉपी करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टूडेंट्स आगे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स पर। कार्बोहाइड्रेट्स की टाइप्स पर बहुत इंटरेस्टिंग है और ईजी भी है अगर आप इनको अच्छी तरह समझ लें। जैसा कि आपको लर्निंग आउटकम्स में पढ़ाया कि इसकी थ्री टाइप्स हैं, मोनो सैकराइड्स, डाई सैकराइड्स एंड ट्राई सैकराइड्स, ठीक है। पॉली सैकराइड्स, ठीक है, पॉली सैकराइड्स, ठीक है। आइए अब इन्हें एक एक करके हम यहां पे डिस्कस करेंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तीन टाइप्स हैं, बुक पे मेंशन है, मैंने एक को डिस्कस करना है इसलिए मैं यहां पे टाइप लिखूंगा, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। जो किस्म है कार्बोहाइड्रेट की पहली, इट इज कॉल्ड मोनो सैकराइड्स, ठीक है, मोनो सैकराइड्स। एक दफा स्पेल्स देख लीजिए बुक पे, सैकराइड्स के स्पेलिंग्स जो है इंपॉर्टेंट है, SACHARIDES, सैकराइड्स, ठीक है। अब इसका मीनिंग समझिए, मोनो का मतलब क्या होता है जी? यहां पे वन यानी एक। सैकराइड्स स्टूडेंट्स एक्चुअली कहते हैं शुगर को, यानी मोनोसैकराइड का मतलब कि एक शुगर, एक शुगर का एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, इसको अभी हम देखेंगे, ठीक है। अब जो एक शुगर की यहां पर बात हो रही है, एक्चुअली ये मोनोसैकराइड की बात है, और ये कहा जाता है कि मोनोसैकराइड जो है ये 3 से 9 यूनिट्स पर बनते हैं, या कह लीजिए इनके 3 to 9 यूनिट्स होते हैं, ठीक है। जो 3 वाला है जहां से स्टार्ट हो रहा है, इट इज कॉल्ड ट्रायोसिस। 4 वाले को क्या कहेंगे? टेट्रोसिस। 5 वाले को पेंटोसिस। 6 वाले को हेक्सोसिस, ठीक है। 7 वाले को हेप्टोसिस एंड गोस ऑन। ये वही स्टूडेंट्स आप देखिए, ये वही लर्निंग है जो हमने नेम्स याद किए थे कार्बन के, ठीक है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये कुछ उसी से रेलिवेंट है। बस आपने याद रखना है ट्राई का मतलब क्या होता है? 3। टेट्रा 4, पेंटा 5, हेक्सा 6, यानी ये एक्चुअली नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? नंबर ऑफ
कार्बन एटम्स, यानी जो मोनोसैकेराइड्स हैं ये नंबर ऑफ जो कार्बन एटम्स पे डिपेंड करते हैं, एटम्स की बात हो रही है, वो 3 से 9 है। कितने हैं? 3 से 9। और इन 3 से 9 कार्बन एटम्स को हम एक एक करके नाम देते हैं। 3 से स्टार्ट होता है ट्राई, फिर टेट्रा, फिर पेंटा, फिर हेक्सा, हेप्टा, इसी तरह 9 तक ये सारे जाते हैं एंड गोस ऑन। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स जो इंपॉर्टेंट है, क्या है इंपॉर्टेंट, यानी इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात की जाए तो इनमें जो कह लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो एक्चुअली है हेक्सोसिस। कौन है? हेक्सोसिस। हेक्सोसिस का मतलब जिसमें क्या मौजूद होंगे, 6 कार्बन एटम्स। क्या मौजूद होंगे? 6 कार्बन एटम्स। अब ये जो 6 कार्बन एटम्स वाला हेक्सोसिस है, अगर हम इसकी एग्जाम्पल पे जाएं तो एक्चुअली इसकी एग्जाम्पल नहीं, एक्चुअल में इसकी एग्जाम्पल्स हैं, दो बातें हैं। फर्स्ट, जो 6 कार्बन वाला है उसे कहा जाता है ग्लूकोज, C6H12O6। और यही फॉर्मूला रख के C6H12O6 का एक और आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है, विच इज कॉल्ड फ्रुक्टोज। एक का फॉर्मूला आपके पास क्या आया जी? ग्लूकोज। और दूसरे का क्या आया जी? फ्रुक्टोज। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में हमने स्टूडेंट्स ये बात पढ़ी थी, क्या बात थी कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखिए कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या चीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर सेम हो, क्या हो, सेम हो, लेकिन उनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, यानी उनका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर है, वो डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स को हम नाम देते हैं आइसोमर्स, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं आइसोमरिज्म। तो एक्चुअली यहां पे हो क्या रहा है कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही है, C6H12O6 सेम है, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अभी हम बनाने जा रहे हैं या बनाएंगे, एक्चुअली इट इज सो डिफरेंट, इट इज डिफरेंट, दैट्स व्हाई ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ आर कंसीडर्ड एज आइसोमर्स। पहले स्टूडेंट्स मोनोसैकेराइड की रीडिंग कर लेते हैं। मोनोसैकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर्स, सिंपल होते हैं, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, जो टूट नहीं सकते। ठीक है, क्यों ये टूट नहीं सकते, हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, क्योंकि ये पहले से ही सिंपल फॉर्म में है। दे कंसिस्ट 3 to 9 कार्बन एटम्स, जैसा कि आपको बताया, देयरफॉर दे आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन देयर मॉलिक्यूल्स एस। ठीक है, तो इनको क्लासिफाइड किया गया और वो मैंने आपको सारा बताया, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस एंड गोस ऑन। इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स आर हेक्सोसिस लाइक ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ठीक है, यहां तक ये बात कंप्लीट हुई। अब आगे इसको समझते हैं कि क्या बात हो रही है। अब स्टूडेंट्स मैं थोड़ी सी यहां पे जो पहली एक बात लिखी हुई थी कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, उसको लिखा रहने दूंगा ताकि मैं आपको वो बात बताकर फिर इसको आगे कंटिन्यू कर सकूं। तो यहां पे थोड़ी देर पहले हमने ये पढ़ा था कि ये एक्चुअल में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। क्या होते हैं जी कार्बोहाइड्रेट्स? कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअल में मैक्रोमोलिक्यूल है जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन का स्ट्रक्चर रखते हैं। ऐसा ही है, हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया। तो अब यहां पे बात यह है कि इन कार्बोहाइड्रेट्स की हम एक टाइप पढ़ रहे हैं विच इज कॉल्ड मोनोसैकेराइड्स। और इस मोनोसैकेराइड्स में स्टूडेंट्स हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट इज द ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला C6H12O6 है। ठीक है, और जो सेकंड एग्जांपल स्टूडेंट्स हमारे पास है वो है फ्रुक्टोज जिसका सेम हमारे पास फॉर्मूला
C6H12O6 है, ठीक है। लेकिन इसमें से एक जो होगा वो एल्डिहाइड ग्रुप रखेगा फॉर्मूले में, और एक जो है वो कीटोनिक ग्रुप रखेगा। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे बनेगा। पहले तो 6 कार्बन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपने चेन में 6 कार्बन लगा दिए। अब आपको पता है कार्बन टोटली 4 बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड बनाता है 4। तो आप सेकंड कार्बन के बॉन्ड्स ओपन कर दीजिए ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं, पहला और आखिरी कार्बन छोड़ दो, बीच वालों के आप बॉन्ड जब ओपन करेंगे तो गौर करिए इस कार्बन पे इसके चारों बॉन्ड पूरे हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, सेकंड कार्बन में आप यहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाएंगे OH, ठीक है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं ना। इसके बाद एक चेंज करेंगे, सिर्फ लगाएंगे एच, और आगे फर्दर OH यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही ऐड होगा। इतनी चीज तो स्टूडेंट्स आपको याद करनी पड़ेगी। ये हमने राइट साइड पे किया, लेफ्ट साइड सारा उसके ऑपोजिट है, यानी अगर ये OH है तो इसके ऑपोजिट H होगा, ये H है तो इसके ऑपोजिट OH होगा। लेकिन आप यहां पे लिखेंगे HO, क्योंकि बॉन्ड के साथ O का क्लोज होना जरूरी है। सेम OH है यहां पे आ जाएगा H, ये OH है यहां पे आ जाएगा H, ठीक है। ये आपको यकीन समझ आ गया। अब स्टूडेंट्स ये जो कार्बन है इसके साथ लिखा जाता है H2OH, बैलेंस करना है ना हमने, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूरे करते हैं, H2OH। अगर आप अभी गिना काउंटिंग स्टार्ट करें हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की, तो सिर्फ आपके पास एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन बचेगा जिसको हम टॉप पे ऐड कर देंगे CHO। ये एक्चुअली स्टूडेंट्स हमारे पास एक कह लीजिए बुक में ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, आपको नीचे बना हुआ नजर आ जाएगा। अब फ्रुक्टोज पर चलते हैं और फिर मैं इनमें डिफ्रेंशिएट करूंगा। फ्रुक्टोज में भी सेम हम कार्बन लगा देंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं, फ्रुक्टोज C6H12O6 लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 छह कार्बन हो गए। सेम बॉन्ड ओपन करेंगे इस तरह ऐसे। इसमें चेंजेस क्या हैं वो जरा देखिए, इसमें चेंजेस ये हैं कि इसमें C जो टॉप वाला है उसके साथ भी H2OH आ जाएगा, जो लास्ट वाला है उसके साथ भी H2OH आ जाएगा, ये चीज सेम हो जाएगी। दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगेगा ऑक्सीजन का। अब इस कार्बन का अगर डबल बॉन्ड यहां पे लगा तो 2, 3 और 4 बॉन्ड पूरे हो गए, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और फर्दर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा, बुक पे भी आप देख सकते हैं कि अगर ये चीज इसके रिजेंबलनेस में आ रही है, यानी सेम ये चीज इसकी जगह ये आई लेकिन मटीरियल डिफरेंट है, इसमें कार्बन के साथ अगर OH लगा हुआ था तो इसमें सिर्फ O आ गया। अगले स्टेप में जिस तरह ये बना हुआ है इसको एज इट इज यहां पे कॉपी कर देना, यानी इधर H था तो इधर भी H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा और इधर OH आ जाएगा, ठीक है। बुक में भी आप देख सकते हैं HOH OH, ठीक है। और इसके ओपोनेंट क्या होगा, ये H था तो इसके ओपोनेंट HO आ जाएगा, ये OH है तो इधर H आ जाएगा, OH है तो इधर H आ जाएगा। इस तरह स्टूडेंट्स आपने इसको याद करना है। देखिए ये तो वो बात होगी जो बुक में लिखी है, नो डाउट हमने स्ट्रक्चर्स भी बनाए, हमें समझ आ रहा है जी दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम इस पर गौर करें, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें से एल्डिहाइड कौन है और कीटोन कौन है। याद रखिए ग्लूकोज जो है ये एल्डिहाइडिक या एल्डिहाइड ग्रुप रखता है, जबकि जो फ्रुक्टोज है ये एक्चुअली कीटोनिक ग्रुप रखता है। अब सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा, तो जी जो मैं अब करने जा रहा हूं इसको आप बुक पर पेंसिल से मार्क कर लीजिए, वो ये कि ये जो फॉर्मूला है ये सारा, ये जिसको मैंने ब्लॉक बनाया कंप्लीटली, ये सारा है R। इसके बाद ये देखिए ये क्या है, बॉन्ड लगा के लिखिए C, ऑक्सीजन जो है ये C के ऊपर आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, जो बचेगा वो क्या है H। लो जी ये आपका बन गया एल्डिहाइड ग्रुप, ये आपका क्या बन गया एल्डिहाइड ग्रुप।
ये जो सारा हमने ब्लॉक मैंने आपको बनाकर दिखाया इट इज आर, ये जो सी है ये आ गया ऐसे, ऑक्सीजन आया डबल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि कार्बन के चार बॉन्ड पूरे कर लेते, और एच इधर आ गया, ठीक है जी। इसी तरह यहां पे आ जाइए, यहां पे क्या होगा, ये वाला ब्लॉक बनाइए कंप्लीट, ये सारा है आर, ठीक है, ये क्या जी सी, ये क्या जी डबल बॉन्ड ओ, तो अल्टीमेटली सी बात है ये क्या होगा आर हैश। आप देख सकते हैं कि ये आर और ये आर दोनों क्या है इस मर्तबा डिफरेंट है। तो ये स्टूडेंट्स एक्चुअल में चीज थी जो कि मिसिंग है, बुक में इलेबोरेट नहीं की गई, इसको आप कॉपी कर लीजिए। लीजिए अब हम आगे देखते हैं, अब क्या लिखा है आप देखिए, तो ग्लूकोज इज अ पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ग्लूकोज क्या है पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जबकि फ्रुक्टोज इज अ पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और उसके साथ वो कहते हैं जी इनका जनरल चेन स्ट्रक्चर फॉर्मूला गिवन है आपके पास बने हुए हैं, उसमें ये आपने चेंजेस करनी है, चेंजेस तो नहीं कहूंगा बल्कि ये कहूंगा इसमें एडिशन करनी है, तो ये बात आपकी क्या हो जाएगी कंप्लीट हो जाएगी। लीजिए स्टूडेंट्स आज जो वर्क फॉर डे वन था 10th क्लास का, इसमें हमने बड़ी डिटेल से बात डिस्कस की, इसको स्टार्ट किया, आज का टॉपिक हम यहां तक कंप्लीट करते हैं। इसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि इंटरनल एक शॉर्ट मैंने आपको करवाया कार्बोहाइड्रेट्स का, एक शॉर्ट मैंने आपको एक्सरसाइज का करवाया, ठीक है। इसके अलावा मोनोसैकेराइड्स जो है ये एक्चुअली एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये अभी 70% कवर हुआ है। वर्क फॉर डे टू जब हम स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको प्रॉपरली इसके मार्क भी करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपने इसको कैसे कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स फिल वक्त आज हमारा जो वर्क फॉर डे वन है वो यहां तक कंप्लीट होता है। कीप वॉचिंग दी वीडियोस, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स आज हम वर्क फॉर डे टू से अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे विच इज प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। स्टूडेंट्स क्योंकि वो प्रॉपर्टीज जो हैं वो ऑरली एक्सप्लेन करने वाली हैं, इसीलिए मैंने उनकी हेडिंग एक्चुअली व्हाइट बोर्ड पर नहीं दी, बल्कि अगला जो टॉपिक है ओलिगोसैकेराइड्स का उसकी हेडिंग व्हाइट बोर्ड पे मेंशन की है। बहरहाल वर्क फॉर डे वन में आपको याद होगा कि हमने इंट्रोडक्शन को डिटेल से देखा एंड कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक स्टार्ट किया जिसमें फर्स्ट टाइप मोनोसैकेराइड्स हमने डिटेल के साथ पढ़ी। अब हम उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं जहां पर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का आपको केमिकल फॉर्मूला या स्ट्रक्चर बना हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स बिल्कुल उसके नीचे थ्री लाइंस हैं, उसके ऊपर आप प्रॉपर्टीज की हेडिंग बना लें। लीजिए क्या प्रॉपर्टीज हैं ये स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज जो हैं कॉमे की फॉर्म में हैं, आपने इनको फुल स्टॉप लगा के प्रॉपर्टीज खुद बनाना है, ठीक है। जैसे मोनोसैकेराइड्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, चलिए पहली प्रॉपर्टी तो बनी हुई है, बड़ी सिंपल सी बात कि ये व्हाइट होते हैं, क्रिस्टलाइन यानी क्रिस्टल शेप, सॉलिड स्टेट के हिसाब से। दूसरी दे आर सोल्यूबल इन वाटर, यहां पे फुल स्टॉप लगा लीजिए कि ये पानी में हल पजीर होती हैं, यानी हल हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। एंड को काट के दे लिखिए, दे का टी कैपिटल, दे हैव स्वीट टेस्ट, मतलब इनका जो जायका है वो मीठा होता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये सैकेराइड्स हैं शुगर, तो जायका मीठा ही होगा। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, हाइड्रोलाइज्ड का मतलब आपको पहले भी बताया था टूटना, कैन नॉट बी यानी ये टूटते नहीं है, ये मजीद सिंपल फॉर्म में नहीं जाते बिकॉज ये पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म है जी। चार प्रॉपर्टीज हो गई, पांचवी क्या है जी,
दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर। देखिए रिड्यूसिंग का वर्ड जो है ये एक्चुअली आया है रिड्यूसिंग एजेंट से, और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में नाइन्थ क्लास में स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के टॉपिक में आपने बड़ी अच्छी तरह समझा था, और मैंने आपको समझाया था ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहां पर हमने ये पढ़ा था कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो मेटल्स कहलाती है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होती हैं? मेटल्स, जिनको हमने यूं डिस्कस किया था जो अपनी ऑक्सीडेशन करती है और दूसरे की रिडक्शन करती है। अपनी ऑक्सीडेशन से मुराद के अपने इलेक्ट्रॉन्स निकाल देती हैं, दूसरे की रिडक्शन से मुराद के वो इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये काम जो करता है जो एजेंट उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाता है। इसी तरह यहां पर लिखा है कि दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर देयरफॉर दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर्स। वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जबकि ये क्या है? रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। फंक्शन और प्रोसेस सेम ही होगा, नाम क्या हो गया है? डिफरेंट। लीजिए स्टूडेंट्स, ये पांच प्रॉपर्टीज हैं या इनको कैरेक्टरिस्टिक्स कहा जाता है मोनोस्क्राइड्स की। और जैसा कि आपसे मैंने ये बात की थी लास्ट टाइम कि आपको मैं लॉन्ग क्वेश्चन की मार्किंग करवाऊंगा, तो आइए इस लॉन्ग क्वेश्चन को देखिए और क्वेश्चन भी लिखिए। तो स्टूडेंट्स ये एक्चुअली आपको इंटरनल लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, नहीं तो एक्सरसाइज में पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, आप देखिए व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स, पेज नंबर 116 के कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं। आप इसमें पेज नंबर 102 के टॉप की फर्स्ट टू लाइंस लिखेंगे, ठीक है। फिर आगे देखिए हाउ मोनोसैकेराइड्स आर प्रिपेयर्ड, इन्हें तैयार कैसे किया जाता है। तो आप कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन लिख के या जो दो लाइंस मैंने आपको बताई आप मोनोस्क्राइड्स के पैराग्राफ में आ जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ लाइन तक आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फिर आप ग्लूकोज की हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे ग्लूकोज इज अ पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ग्लूकोज का नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है, वो बना दीजिए। फिर फ्रुक्टोज की हेडिंग दीजिए, उसमें लिखिए फ्रुक्टोज इज अ पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ठीक है। और उसके लिए आप नीचे देखिए आप ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बना दीजिए, ठीक है, यहां तक आप इसको रखेंगे। उसके बाद नीचे जैसा कि मैंने बताया प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स की हेडिंग आएगी। क्वेश्चन में आप देखिए उसमें लिखा हुआ है गिव देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन पांच को आप राइट कर देंगे, इस तरह ये एक्सरसाइज का लॉन्ग कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ स्टूडेंट्स मैं आपको ये बताता चलूं के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स का अलग से लॉन्ग आ सकता है जिसमें आपने पांच कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होती हैं, नहीं तो ये शॉर्ट आ सकता है राइट या इनलिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसैकेराइड्स। आपने याद रखना है कि शॉर्ट में आपने सिर्फ दो प्रॉपर्टीज को राइट करना है या चार को राइट करना है, यानी इवन फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स यहां पर मुझे एक बात याद आई कि वर्क फॉर डे वन में मैंने जब आपको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया था तो मैंने ऊपर आई थिंक सो डेफिनेशन में पॉलीहाइड्रोक्सी लिखा हुआ रहने दिया था, जबकि इनकी डेफिनेशन में यहां पे पेंटाहाइड्रोक्सी लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो एक छोटी सी मिस्टेक थी, उसे जरा देख लीजिएगा, क्योंकि वो पहले से ही राइट था कार्बोहाइड्रेट्स के लिए तो मैंने उसी के आगे फर्दर एडिशंस कर दी। लेकिन ये जो बेसिकली डिफरेंस होता है पोली और पेंटा में, इट इज एक्चुअली पेंटा मींस फाइव एंड द पोली मींस मैनी, ठीक है, इसको जरा करेक्ट कर लीजिएगा। आइए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ विच इज ओलिगोसैकेराइड्स। जी ओलिगोसैकेराइड्स क्या है? पहली बात, 2 to 9 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स के अगर मिले, यानी मोनोसैकेराइड्स के दो यूनिट मिले फिर तीन मिले फिर चार मिले, इस तरह ये यूनिट्स कंबाइन करेंगे तो एक्चुअली 9 तक जाएंगे, तब ये ओलिगोसैकेराइड्स कहलाएंगे। लेकिन इनके अंदर क्या होना जरूरी है? हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? ब्रेक डाउन, थोड़ा सा लेंथी इसको थोड़ा सा ऊपर से करके लिख लेते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या है जी?
break down in the presence of water, यानी पानी की मौजूदगी में किसी चीज का टूटना, स्प्लिट होना और सेपरेट होना। यानी अगर 2 से 9 यूनिट्स होंगे मोनोसैकेराइड्स के जो आपस में कंबाइन है, ठीक है, उनको अगर वाटर की मौजूदगी में वो टूटेंगे तो एक्चुअली वो क्या बना देंगे हमारे पास, मोनोसैकेराइड्स, सॉरी ओलिगोसैकेराइड्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात क्या आई, इसकी एग्जांपल्स आई, वो एग्जांपल्स क्या हैं वो देखिए। पहली एग्जांपल है डायसैकेराइड्स, दूसरी है ट्राईसैकेराइड्स, इसी तरह टेट्रासैकेराइड्स एंड गोस ऑन। इसमें हम सिर्फ बात करेंगे डायसैकेराइड्स की, और ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। डाय का मतलब यहां पे क्या होगा जी, 2। सैकेराइड्स का मतलब शुगर, यानी यहां पे 2 शुगर की बात हो रही है, जिसमें से स्टूडेंट्स एक शुगर होगी एक्चुअली ग्लूकोस और दूसरी वाली कौन सी होगी, फ्रुक्टोस। अब आपको समझ आ रही होगी यकीनन, 2 में से एक ग्लूकोज है और एक क्या है, फ्रुक्टोस। एक ग्लूकोज और दूसरी फ्रुक्टोस। अब होता क्या है, इन्होंने एक्चुअली इन फ्यूचर बनना होता है, इन्होंने इन फ्यूचर बनना होता है, लेकिन इनको बनाने के लिए इस प्रोसेस में जो एग्जांपल एक्चुअली यूज होगी, इट इज सुक्रोज। सुक्रोज एक्चुअल में एक डायसैकेराइड होगा। सुक्रोज क्या होगा, डायसैकेराइड, ठीक है, जो कि मिलकर बना होगा 2 शुगर से। लेकिन जैसे ही सुक्रोज की हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, यानी वाटर की एडिशन करेंगे इसमें, तो ये सुक्रोज वाटर की एडिशन की वजह से 2 यूनिट्स बना देगा मोनोसैकेराइड्स के। द फर्स्ट वन इज ग्लूकोज एंड द सेकंड वन इज फ्रुक्टोज। कैसे वो देखते हैं, सुक्रोज का फॉर्मूला स्टूडेंट्स हमारे पास होता है C12H22O11, ठीक है। हम इसमें एडिशन करते हैं वाटर की, एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। मैं कैटलिस्ट लिख रहा हूं बुक पे, वो कैटलिस्ट अवेलेबल है। अब क्या होगा, वाटर की एडिशन में इनके साथ कुछ वर्किंग होगी, वो ये कि ये C12 है तो ये C12 ही रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन 22 है, यहां पे हाइड्रोजन 2 है, ये 2 आके इधर ऐड हो जाएंगे तो ये 22 से 24 हो जाएगा। इधर ऑक्सीजन 11 है, इधर 1 है, तो ऐड करें तो ऑक्सीजन 12 हो जाएंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए इस फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब अगर आप इसको 2 जगह इसकी पार्टीशन कर दें, डिवीजन कर दें, तो क्या होगा, इक्वली डिवीजन करनी है आपने। जब आप इसकी इक्वली डिवीजन करेंगे वो ये होगा, ये कार्बन 12 है तो यहां पे 6 आ जाएंगे, यहां पे 6 आ जाएंगे, हाइड्रोजन 24 है, 12 यहां पे आ जाएंगे, 12 यहां पे आ जाएंगे, ऑक्सीजन 12 है, 6 यहां पे आ जाएंगे, 6 यहां पे आ जाएंगे। तो ये आपने देखा कि वाटर की एडिशन की वजह से हाइड्रोलिसिस हुई, और ये हाइड्रोलिसिस की वजह से सेपरेट हो गए, और एक स्ट्रक्चर आपके पास आ गया ग्लूकोज का, और एक स्ट्रक्चर आपके पास आ जाएगा फ्रुक्टोज का, ठीक है। हमें कैसे इनका डिफरेंस पता चलेगा कि कौन ग्लूकोज और कौन फ्रुक्टोज, वो इस तरह कि ग्लूकोज में पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जबकि फ्रुक्टोज में पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन जो है वो फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास हैं ओलिगोसैकेराइड्स। आइए इन्हें देखते हैं जी, पेज नंबर 102 पे लास्ट पे ओलिगोसैकेराइड्स हैं। इसकी फर्स्ट 3 लाइंस तो तकरीबन मैंने मेंशन कर दी है, इन्हें आप खुद रीड करिए, आगे से हम देखेंगे जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है। तो 3rd लाइन के लास्ट से आपने इसकी रीडिंग सुननी है, और साथ ही साथ आप एक्सरसाइज में अगर आए तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन एग्जाम्पल ऑफ अ डायसैकेराइड हाउ इट इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसैकेराइड, कि कैसे वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं डायसैकेराइड में एग्जाम्पल है सुक्रोज की, और वो कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो प्रोसीजर भी मैंने आपको बताया। तो आप पेज नंबर 102 के लास्ट पे देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड्स आर डायसैकेराइड्स लाइक सुक्रोज। ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज प्रोड्यूसेस 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज।
उसके बाद आप ये केमिकल रिएक्शन लिख देंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपका एक्सरसाइज के क्वेश्चन ऑलिगोसैकेराइड्स का कंप्लीट हो जाएगा, जो कि एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसके अलावा आपको एक इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट ऑलिगोसैकेराइड्स। तो इसमें आप तकरीबन फर्स्ट टू लाइंस ऑलिगोसैकेराइड्स की लिखेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने फ्लो में ऑलिगोसैकेराइड स्टार्ट कर दिया था, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री में रीड करना भूल गया था। एक्चुअली वो क्वेश्चंस जो हैं उनके आंसर आपको पता है। लाइक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर टू है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ये आपको मैंने बता दिए। डिफरेंस लिखना आपने ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का, तो आप देख सकते हैं ग्लूकोज अगर आप मोनोसैकेराइड्स में देखें तो उसकी एक ही लाइन है, ग्लूकोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ठीक है, आप इसके नीचे इसका स्ट्रक्चर बना दें। फिर दूसरी तरफ आप क्या लिखें, वो अपना फ्रुक्टोज इज अ पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन और उसका स्ट्रक्चर बना दें, तो इस तरह इनका ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम ऑलिगोसैकेराइड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसी तरह जिस तरह हम मोनोसैकेराइड्स की पढ़ी थी। तो रिएक्शन के नीचे आप प्रॉपर्टीज की हेडिंग बना लीजिए। पहली प्रॉपर्टी, दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इजिली सोल्यूबल इन वॉटर। देखिए अब ये एक्चुअली तीन प्रॉपर्टीज हैं कि व्हाइट उनका कलर है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स उनकी शेप है, सोल्यूबल इन वॉटर यानी पानी में हल पजीर हो सकते हैं। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आपने सेपरेट करके तीन बना लेना है, जैसे मैंने आपको मोनोसैकेराइड्स में करवाई। नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो स्वीट इन टेस्ट, ये अपने जायके में मीठे होते हैं। आखिरी बात, ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। मैंने आपको समझाया था कि रिड्यूसिंग शुगर्स क्या होती हैं विद द एग्जांपल और रेफरेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स, इसी तरह नॉन रिड्यूसिंग जो शुगर्स हैं वो एक्चुअली आपके पास कंसीडर होंगी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, यहां पे वर्ड ऑक्सीडाइजिंग नहीं लिखा गया बल्कि सेम प्रोनाउंसिएशन का लिखा गया, तो आप उसको जाके अपनी जो ओल्ड नाइन्थ क्लास की बुक है वहां से कुछ समझ सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम मूव करते हैं स्टूडेंट्स पॉलीसैकेराइड्स की तरफ। सिंपल सी बात है इनके बारे में, पॉली का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, मैनी, सैकेराइड्स का मतलब शुगर्स, यानी बहुत सी शुगर्स पे डिपेंड करती हैं। एक्चुअली हम तो ये कहते हैं कि ये थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बनती हैं, थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स से मिलकर बनती हैं। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड की वजह से मिलकर बनने की वजह से इनको एक्चुअली हम क्या नाम देते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। इनकी एग्जांपल बहुत सिंपल है, स्टार्च इसकी एग्जांपल में आता है, इसके अलावा सेलुलोज भी है। स्टार्च की थोड़ी सी डिटेल आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्च एक्चुअली आप कह लीजिए जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसमें सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म रखती है स्टार्च। ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे कॉम्प्लेक्स एग्जांपल में स्टार्च आती है। आइए अब इसे देखते हैं, पॉलीसैकेराइड्स आर मैक्रोमॉलिक्यूल, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स और कंसिस्टिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, और किस पर डिपेंड करते हैं जी, हजारों और हजारों मोनोसैकेराइड्स पर। एग्जांपल्स क्या है जी पॉलीसैकेराइड्स की, स्टार्च एंड सेलुलोज, स्टार्च एंड सेलुलोज। यहां तक स्टूडेंट्स एक इंटरनल शॉर्ट बन सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट पॉलीसैकेराइड्स। अगली दो लाइनें एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टीज हैं, इसकी आप हेडिंग बना लीजिए, सॉरी हेडिंग बना लीजिए प्रॉपर्टीज की। पहली प्रॉपर्टी क्या है जी, दे आर अमॉर्फस सॉलिड, क्या वर्ड है जी, अमॉर्फस, अमॉर्फस सॉलिड्स। स्टूडेंट्स एमोफस का मतलब क्या होता है जी, शेपलेस, यानी जिनकी कोई शेप नहीं होती। आपने देखा हमने मोनोसैकेराइड्स और ऑलिगोसैकेराइड्स की दोनों की शेप देखी, वो क्या होती है, क्रिस्टलाइन, जबकि ये क्या होते हैं, एमोर्फस या एमोफस भी पढ़ा जाता है।
दूसरा दे आर टेस्टलेस, इनका कोई जायका नहीं होता, जबकि बाकी दो का क्या पढ़ा था, दे आर टेस्टेबल, उनका जायका होता था। एंड इनसॉल्युबल इन वॉटर, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जी, तीसरी बल्कि इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल का मतलब क्या होगा, पानी में हल ना होने वाले, यानी वो केमिकल्स जो पानी में हल नहीं होंगे, पानी में डिसॉल्व नहीं होंगे। लास्ट दे आर नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर। अब देखिए ये एक्चुअल में जो सेकंड पॉइंट है ना, दे आर टेस्टलेस, ये एक बन जाएगा, एंड करके आप नेक्स्ट बना लीजिए दे आर इनसॉल्युबल इन वॉटर, इस तरह ये बन जाएंगी चार प्रॉपर्टीज। अब आप अगर एक्सरसाइज में जाएं और शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें, तो उन्होंने पूछा हुआ है कि गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स, तो आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स में से या तो 2 लिख सकते हैं शॉर्ट में, या 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह आज वर्क फॉर डे 2 में हमारे पास जो कह लीजिए टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, वो कंप्लीट होती हैं, एंड होपफुली आपको ये अच्छी तरह समझ भी आ गई। मैंने आपको साथ साथ इनकी मार्किंग भी करवाई, बताया कि इंटरनल शॉर्ट क्या है, एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन हमने 5 कंप्लीट कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स एक इंटरनली कह लीजिए मैं अपनी तरफ से एक एडिशन और आपके लिए एडवाइस करूंगा कि इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो इंटरनली आपने बनाने हैं। नो डाउट अगर आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो 20 के राउंड अबाउट तो एमसीक्यूज एक्सरसाइज के हैं, लेकिन इसके बहुत से ऐसे एमसीक्यूज हैं जो आपने खुद अपनी कह लीजिए मेहनत से बनाने हैं, आपने खुद उन्हें जनरेट करना है। जैसे आप ये बना सकते हैं एमसीक्यूज के जी, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, तो आप इसकी ऑप्शंस में लिख सकते हैं यस नो मे बी बोथ ए एंड बी। तो होपफुली इसका आंसर ए होगा, यस, बिकॉज क्योंकि इसमें वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बातें रखते हैं। अगर आप गौर करें तो एल्डिहाइड और कीटोन लिखा हुआ है, एल्डिहाइड या कीटोन दोनों में से कोई एक हो सकता है, वो डिपेंड करता है स्ट्रक्चर बनाने पे। तो एल्डिहाइड में हमने पढ़ा ग्लूकोज है और कीटोन में हमने पढ़ा फ्रुक्टोज है। इस तरह स्टूडेंट्स आप एग्जाम एमसीक्यूज जो हैं वो बना सकते हैं, एंड आई थिंक सो मैंने ये देखा था टॉपिक प्रॉपरली, इंट्रोडक्शन से लेके पॉलीसेकेराइड्स तक अगर आप बनाए इंटरनल एमसीक्यूज तो इजीली 25 से 30 एमसीक्यूज बन सकते हैं। एंड मुझे यकीन है कि इतना अच्छा आपको गाइड करने के बाद आप इस बात पे जरूर इस एडवाइस पे अमल करेंगे और राउंड अबाउट 30 एमसीक्यूज एज असाइनमेंट समझ के कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स आज टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स तक जैसे कि आपको बताया हमारा वर्क फॉर डे 2 कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम सोर्सेज एंड यूजेस के साथ कार्बोहाइड्रेट्स का स्ट्रक्चर प्रॉपरली डिस्कस करेंगे और वर्क फॉर डे 3 में आपसे मुलाकात होती है। फॉर यू काइंडली कंप्लीट योर वर्क एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियोस। अल्लाह हाफिज।